वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट रिवेट जॉइंट। अब रिवेट जॉइंट में हम अभी देख रहे हैं बट जॉइंट। तो बट जॉइंट का कौन सा पार्ट है? डबल रिवेटेड डबल कवर बट जॉइंट, वो भी चैन टाइप्स का। अब हमें क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू बनाना है, और उसके लिए रिवेट का डाया हमें दिया गया है 24 mm। 24 mm रिवेट का डाया दिया है, तो डी इक्वल टू 6√t फार्मूला होता है। जब हमारी डाया या थिकनेस हमें दी जाती है वो भी mm में होती है, तब हमारा फार्मूला होता है d=6√t। यदि सेंटीमीटर में होती है तब फार्मूला होता है d=1.91 × √t। तो अब हमने क्या किया कि डाया हमें 24 mm दिया गया है, तो d=6√t लगा दिया, तो 24/6 = √t। 4 = √t आ गया, तो 4 का स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया, t = 16 mm आ गया। मार्जिन हमारी सीमा क्या होती है? m = 1.5d, तो 1.5d मल्टीप्लाई किया 36 mm आ गया। हेड हाइट हमारी कितनी होती है? h = 0.7d, तो h = 16.8 mm, h = 16.8 mm। अब इसके बाद हेड लेंथ हमारी कितनी है? तो हेड लेंथ l = 1.6d, तो l = 1.6d, l का मल्टीप्लाई किया 38.4 mm आ गया। अब इसके बाद बात करते हैं पिच की। पिच p = 3d होता है, p = 3 × 24 = 72 mm। सेंट्रल पिच क्या होती है कि pcr = 1.5d + 1.5d, pcr = 3d आ जाएगा। वैल्यू कितनी आएगी? pcr = 72 mm। फिर बात करते हैं बैक पिच की। pb = 2d + 6 mm, तो pb, अब यहाँ पर बैक पिच हमने कितनी ली है? pb = 2d + 6 mm। तो हमने क्यों ली है? क्योंकि हमें चैन टाइप्स बोला गया है, तो चैन टाइप में हमारी बाइक पिच होती है pb = 2d + 6 mm। यही जिग जैक होती तो pb = 2d हो जाता। अब बात करते हैं कवर प्लेट थिकनेस की। तो कवर प्लेट थिकनेस, तो tc = 0.8t, तो tc हमने 0.8t ली है, और अभी पहले ली थी tc = 1.25t, तो अब वो क्या थी? वो जो 1.25t थी तो सिंगल कवर प्लेट के लिए थी, अब इसमें डबल कवर प्लेट है तो इसलिए tc = 0.8t, 19.2 mm। तो अब बात करते हैं कि pcr हमारी क्या होती है, बट जॉइंट क्या होता है। तो दो प्लेटों को हमें इस तरह से ज्वाइंट करना है, तो इस तरह से प्लेट एक है प्लेट दो है, इनको ज्वाइंट करना है। तो इनको ज्वाइंट करने के लिए एक कवर प्लेट मैंने यहाँ नीचे लगा दी और एक कवर प्लेट मैंने ऊपर लगा दी, तो अब इस तरह से हमें इसको ज्वाइंट करना है। तो जब ज्वाइंट करना है तो मैंने मान लिया कि एक रिविट यहाँ लगेगी, एक रिविट यहाँ लगेगी, क्योंकि डबल रिविटेड है, एक रिविट यहाँ लगेगी, एक रिविट यहाँ लगे, लेकिन प्लेट इस तरह से ज्वाइंट हो रही हैं, तो यहाँ से कुछ हमें मार्जिन देना होगा। तो वो मार्जिन सीमा हमें कितनी दी गई? 1.5d, 1.5d इस प्लेट में, 1.5d इस प्लेट में। तो दोनों प्लेटों में हमें क्या करना होगा? ड्रॉप करना होगा। तो यही हमारी सेंट्रल पिच कहलाती है pcr, यही हमारी सेंट्रल पिच होती है pcr। अब बात करते हैं कि फिगर बनेगा कैसे। तो ये इस तरह से आपका फिगर बना हुआ है, तो सारे पैरामीटर्स इस तरफ लिखे हुए हैं। फिर इसके बाद बात आती है कि इसमें कौन सी प्लेट है। तो ये हमारी प्लेट वन है, मेन प्लेट वन, ये हमारी है मेन प्लेट टू, ये लगी हुई है हमारी कवर प्लेट नंबर वन, ये लगी हुई है हमारी कवर प्लेट नंबर टू। तो अब इसके बाद ये फ्रंट व्यू है, ये हमारा टॉप व्यू है, अब इसके बाद ये हमारा मार्जिन है, ये दो रिविट के बीच की दूरी, मतलब बैक पिच 2d + 6 है, ये 3d है। 3d का मतलब क्या है कि सेंट्रल पिच होती है, तो सेंट्रल पिच हमारी यही है 3d। यदि आप यहाँ से लाइन को खींचेंगे तो 1.5d इधर आ जाएगा, 1.5d इधर आ जाएगा। फिर इस रिविट से इस रिविट के बीच की दूरी कितनी है? pb = 2d + 6। फिर मार्जिन आ गया हमारा। फिर इसके बाद जब हम नीचे आए, तो जब हमने टॉप से देखा इसको, ये तो फ्रंट व्यू बन गया, जब हमने इसको टॉप से देखा तो 1, 2, 3, 4 रिविट्स हमें दिखाई दिए, और ये प्लेट्स दिखाई दी, प्लेट नंबर वन दिखाई दी, प्लेट नंबर टू दिखाई दी।
बाकी हमें और कुछ नहीं दिखाई दिया। तो प्लेट नंबर, ये कवर प्लेट दिखाई दिया, कवर प्लेट के बाद प्लेट नंबर टू का इतना पोर्शन हमें दिखाई दिया, प्लेट नंबर वन का इतना भाग दिखाई दिया, बाकी और हमें नीचे का कुछ नहीं दिखाई दिया। तो उसको हम देखते हैं ड्राइंग शीट पे कैसे बनाते हैं। चलिए चलते हैं ड्राइंग शीट पर और बनाते हैं। तो अब हमें क्या क्या दिया गया है, अब हमें क्या क्या दिया गया है, तो हमें डी इक्वल टू 24 mm, डी इक्वल टू 24 mm, टी इक्वल टू 16 mm, यम इक्वल टू 36 mm, यच इक्वल टू 16.8 mm, यल इक्वल टू 38.4 mm, पी इक्वल टू 72 mm पिच। फिर इसके बाद पी सी आर 72 सेंट्रल कवर प्लेट, तो क्या दी गई पिच कितनी दी गई है 72 mm। फिर इसके बाद बैक पिच PB इक्वल टू 54 mm, कवर प्लेट थिकनेस TC इक्वल टू 19.2 mm। इतना हमें दिया गया है डेटा, इतना हमें डेटा दिया गया है। तो अब हम चलिए बनाते हैं कि कैसे हम बनाएंगे, अब इसको देखते हैं। तो इस तरह से मैंने क्या किया कि एक लाइंस को ड्रा किया इस तरह से, इस तरह से मैंने एक लाइंस को ड्रा कर दिया। तो अब ड्रा करने के बाद मैंने क्या किया कि इसका सेंटर ले लिया, कि मतलब दो भागों में सेंटर से हम डिवाइड कर देंगे। तो मैंने दो भागों में इसको डिवाइड करना है, तो इस तरह से एक पॉइंट ले लिया, इस तरह से मैंने एक पॉइंट ले लिया। अब इसके बाद इसकी हमें क्या करना है कि थिकनेस निकालनी है। तो अब जब इसकी हमें थिकनेस कितनी दी गई है टी इक्वल टू 16 mm, तो 16 mm की थिकनेस दी गई है। तो इस तरह से मैंने क्या किया कि इस यहीं सेंटर से 16 mm की इस तरह से एक लाइन खींच लिया। अब इसके बाद यहाँ से मैंने क्या किया कि इसी को रेफरेंस लेते हुए इस तरह से मैंने लाइन ड्रा कर लिया। इस तरह से लाइंस को हमने ड्रा कर खींच लिया। अब खींचने के बाद ये जो लाइंस है हमारी 16 mm थिकनेस की, इसी को रेफरेंस लेते हुए हम कहाँ पर आए, इस एंड पॉइंट तक आए, और फिर यहाँ से कहाँ तक आए, इस एंड पॉइंट तक। इस तरह से हमने लाइंस को ड्रा कर दिया, तो ये हमारी मेन प्लेट बन गई। तो जब अब हमारी मेन प्लेट बन गई, तो अब हमें क्या करना है कि इसमें मेजरमेंट करना। तो ये जो हमारी प्लेट है, ये हमारी मेन प्लेट है, तो ये प्लेट वन है, ये प्लेट टू है। तो अब हमें इसमें क्या करना है कि यहाँ से जो भी मार्जिन लेके ही हम बनाएंगे। तो मार्जिन हमने कितना दिया गया है, मार्जिन 36 mm दिया गया। तो इस तरह से मैंने 36 mm पे मार्जिन ले लिया, इधर भी और इधर भी मार्जिन ले लिया। अब मार्जिन लेने के बाद हमें क्या चाहिए, हमें इस रिविट के सेंटर से दूसरे रिविट के सेंटर के बीच की दूरी, जिसे हम बैक पिच कहते हैं, PB 54 mm दिया गया है। तो मैंने क्या किया कि इस तरह से 54 mm ले लिया और यहाँ से भी 54 mm ले लिया। अब इसके बाद यहाँ से हमें क्या चाहिए, मार्जिन चाहिए फिर से। तो इस तरह से मैंने मार्जिन इधर ले लिया और मार्जिन इधर ले लिया। अब इसके बाद
इसको रेफरेंस लेते हुए नीचे की प्लेट में भी हमने पॉइंट्स लगा लिए इस तरह से। तो अब हमें क्या करना है, इसमें प्लेट्स बनानी है। तो प्लेट की कवर प्लेट की थिकनेस हमें कितनी दी गई, 19.2 mm। तो ये हमने क्या किया, इस तरह से मैंने क्या किया कि 19.2 mm की लाइन खींची और यहां से भी 19.2 mm, यहां से भी 19.2 mm की लाइन खींची। फिर अब इसके बाद मैंने क्या किया कि इसी लाइन को रेफरेंस लेते हुए इस तरह से लाइंस को मिला दिया। तो और सेम काम नीचे भी किया मैंने दूसरी कवर प्लेट के लिए, इस तरह से 19.2 mm पे एक लाइन खींची और यहाँ से भी 19.2 mm पे एक लाइन खींची। अब इसके बाद इसको रेफरेंस लेते हुए इस तरह से मैंने लाइंस मिला ली। तो अब यहाँ से हमें क्या करना है कि एंगल बनाना है। तो अब यहाँ पे हमें ये UDL के लिए एंगल बनाना है। तो जब एंगल बनाना है तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ से 80 डिग्री हमने ले लिया। अब 80 डिग्री के बाद हमें क्या करना है कि यहाँ से इस तरह से एक लाइंस ड्रा कर देनी है। फिर इसके बाद यहाँ से भी हमें 80 डिग्री लेना है, तो यहाँ से भी हमें 80 डिग्री लेना है। तो इस तरह से मैंने 80 डिग्री मुझे यहाँ मिला। अब फिर मैंने क्या किया कि इस पॉइंट से यहाँ तक इस तरह से मिला दिया। तो अब इसके बाद इन लाइंस को मैंने यहाँ से रफ कर दिया, यहाँ से भी इस तरह से रफ कर दिया। रफ करने के बाद नीचे से भी मुझे 80 डिग्री पे लेना है। इस तरह से मैंने क्या किया कि ये 80 डिग्री मुझे यहाँ पर मिला। इस तरह से और इतने भाग को मैंने रफ कर दिया। अब इसके बाद यहाँ से फिर मैंने 80 डिग्री लिया। अब यहाँ से भी मैंने 80 डिग्री ले लिया इस तरह से। इस तरह से मैंने क्या किया कि यहाँ से भी 80 डिग्री का पॉइंट इस तरह से ले लिया और इस तरह से मैच करा दिया और इस पॉइंट्स को भी मैंने हटा दिया। ये हमारी कवर प्लेट्स बन गई। अब इन कवर प्लेट्स को हमें क्या करना है, डार्क कर देना है। अब इन कवर प्लेट्स को हमें डार्क कर देना है ताकि आसानी से हमें अच्छे से दिखाई दे। इस तरह से मैंने डार्क कर दिया। अब डार्क करने के बाद हमें क्या करना है कि अब रिवेट्स बनाना है।
तो अब रिविट्स बनाने के लिए हमने क्या किया कि इस लाइन को रेफरेंस लाइन लिया और इस तरह से यहाँ से एक रेफरेंस लाइन ले लिया, फिर यहाँ से भी एक रेफरेंस लाइन ले लिया, और यहाँ से भी एक रेफरेंस लाइन इस तरह से हमने ले लिया, यहाँ से भी रेफरेंस लाइन इस तरह से, हमने ले लिया, यहाँ से भी रेफरेंस लाइन लाइन इस तरह से ले लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि रिविट का सेंटर हमें डायया कितना दिया गया है 24 mm, तो 12 mm लेफ्ट में, 12 mm राइट में, 12 mm लेफ्ट में, 12 mm राइट में, ऊपर भी नीचे भी, फिर 12 mm लेफ्ट में, 12 mm राइट में, 4 रिविट्स इस पे लगेंगे, एक प्लेट में 2 रिविट्स, 12 mm लेफ्ट में, 12 mm राइट में, 12 mm लेफ्ट में, 12 mm राइट पे, इस तरह से हमने पॉइंट्स ले लिए। तो पॉइंट्स हमें कहाँ कहाँ मिले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो अब इन पॉइंट्स को इस तरह से रेफरेंस लाइन लेते हुए मिला देंगे, इस तरह से, इस तरह से हमने रिविट्स बना लिए। अब हमें क्या बनाना है कि रिविट्स के अब हमें हेड बनाना है, तो रिविट्स के अब हमें हेड्स बनाना है। तो जब हेड्स अब हमें बनाना है रिविट्स के, तो अब हम चलिए हेड्स बनाते हैं। तो हेड्स के लिए हमें इसकी लंबाई कितनी दी गई है, 38.4 mm, तो ये कितना आएगा 19.4 लेफ्ट में, 19.4 राइट में, तो वही हर जगह हमें करना है। इस तरह से अब यहां से भी इस तरह से हमने क्या किया कि लेंथ जो थी उसका मेजरमेंट हमने 2 भागों में कर लिया, लेफ्ट में और राइट में। लेफ्ट में एंड राइट में
इस तरह से। अब हमें इसकी हाइट कितनी दी गई है, हाइट हमें दी गई है 16.8 mm। इस तरह से मैंने हाइट का मेजरमेंट कर लिया। इस तरह से इस तरह से मैंने हाइट का मेजरमेंट कर लिया। अब मुझे क्या करना है कि इस पॉइंट तक के बीच की दूरी लेनी है और यहाँ से इस तरह से आर्क लगा देना है सभी में। सभी में आर्क लगा देना है इस तरह से। इस तरह से हमें आर्क लगा देना है। अब इसी पॉइंट से इस तरह से हमें रिवेट्स बना देना है इस तरह से। अब सेम काम इधर भी हमें करना है इस तरह से, यहाँ पर भी और यहाँ से भी इस तरह से रिविट्स के हेड्स बन जाएंगे हमारे। इस तरह से हमारे रिविट्स के हेड्स बन गए। अब हमें क्या करना है कि इस पे हाइजिंग करनी है, सेक्शनिंग करनी है। तो अब हम सेक्शनिंग कर देते हैं 45 degrees पे 1-2 या 3 mm के गैप पे। इस तरह से इस तरह से सेक्शनिंग कर देनी है। इस तरह से सेक्शनिंग हमें कर देनी है। तो अब इस पे हमने जैसे किया है तो इस पर हम उसके अपोजिट करेंगे।
इस तरह से हमें सेक्शनिंग करनी होती है। इस तरह से हमने क्या किया, मेन प्लेट और एक कवर प्लेट पे सेक्शनिंग कर दी। तो अब हम इस पे ये जो लोअर कवर प्लेट है इस पर भी सेक्शनिंग करेंगे। इस तरह से हमने क्या किया, सेक्शनिंग कर दिया। सेक्शनिंग करने के बाद अब हम नेमिंग कर देते हैं इसकी। तो जब नेमिंग करते हैं तो यहाँ से इस तरह से एक लाइन ली और इस तरह से एक लाइन ली और इस तरह से हमने क्या किया कि एक लाइन पूरी ड्रा कर दी। अब ड्रा करने के बाद यहाँ से तो यहाँ तक हमने कर लिया। तो ये हमारा क्या मार्जिन है, कितना आएगा 1.5D। ये हमारा क्या है बैक पीस 2D प्लस 6। ये हमारा PCR है 3D। ये हमारा क्या है 2D प्लस 6। ये हमारा क्या है 1.5D। तो ये हमारा क्या 1.5D। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे ये हमारी क्या है अपर कवर प्लेट। ये हमारी लोअर कवर प्लेट, फिर इसके बाद ये हमारी क्या है ये हमारी मेन प्लेट 1, ये हमारी क्या है मेन प्लेट 2, तो अब इस पे हमें सारा कुछ मेजरमेंट हो चुका है। अब यहाँ पर बचा क्या है हमारा, ये है हमारा डी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है यल। यच। अब इसके बाद बात करते हैं हम टॉप व्यू की। ये हमारा फ्रंट व्यू बन चुका है, अब बात करते हैं टॉप व्यू की। तो टॉप व्यू के लिए अब हमें एक लाइंस हमने क्या किया कि इस तरह से रेफरेंस लाइन खींच लिया।
तो वो हमारी क्या हो जाएगी, x x। अब इसके बाद प्रोजेक्शंस लेना हम शुरू करते हैं। इस तरह से प्रोजेक्शंस लाइंस लेना हमने शुरू किया, इस तरह से और इन प्रोजेक्शंस लाइंस को और इंक्रीज कर लेते हैं। इस तरह से हमने क्या किया कि इन प्रोजेक्शंस लाइंस को इंक्रीज कर लिया। अब इंक्रीज करने के बाद अब हमें क्या करना है कि यहाँ से कितना, ये कितना है हमारा 19 16 19, तो इसको हमें ऐड करने के बाद कुछ डिस्टेंस हमें ड्राप करनी है। मैंने मान लिया यहाँ तक मुझे कोई डिस्टेंस मिल गई जितनी भी कैलकुलेट करने से आएगी। तो अब इसके बाद बात करते हैं इस पर। तो हमने क्या किया कि इस तरह से एक लाइन को ड्रा कर दिया। अब यहाँ से इस तरह से हम आए। अब इसके बाद एक लाइन हमने, ये हमारी कौन सी है, लोअर प्लेट है, इस तरह से लोअर प्लेट। तो लोअर प्लेट कहाँ तक आएगी हमारी, ये जो हमारी रेफरेंस लाइन है यहाँ तक हमारी आ गई लोअर प्लेट। और ये हमारी इधर आ गई अपर प्लेट। अब अपर प्लेट के बाद भी एक हमारी प्लेट है, तो वो भी हमारी कुछ इस तरह से ही आ जाएगी, इस तरह से। तो अब यहाँ से हमें बनाना है टॉप व्यू। तो जब हम इसको टॉप व्यू से देखेंगे तो टॉप व्यू से हमें सर्कल्स दिखाई देंगे। चलिए बनाते हैं सर्कल्स। तो कितने मार्जिन लेंगे, मार्जिन कितना लेंगे, 36 mm। तो मार्जिन हम 36 mm लेके बनाएंगे। यहाँ पर भी 36, यहाँ पर भी 36, फिर यहाँ पर भी 36, यहाँ पर भी 36 mm मार्जिन लेके हमने बना दिया। तो अब इसके बाद यहाँ से क्या होगा कि अब ये जो हमारी लेंथ है तो इसको हम मेजर करेंगे। लेंथ का आधा कितना होता है, लेंथ कितनी है 38.4, तो रेडियस कितनी आ जाएगी इसकी, आधा कितना होगा 19.2 mm। तो इस तरह से मैंने सर्कल ड्रा कर लिया। इस तरह से मैंने सर्कल्स को ड्रा कर दिया। अब इसके बाद यहाँ से हमें कितना लेना होता है, पी इक्वल टू 3D। 3D कितना है, 72 mm। मैंने यहाँ से 72 mm पर पॉइंट ले लिया, 72 mm पर पॉइंट ले लिया। अब पॉइंट लेने के बाद यहाँ से भी
इस तरह से सर्कल्स बना दिए। तो अब इसके बाद जब मैंने सर्कल्स बना दिए हैं तो अब इसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो डाया है, ये जो हमारा डाया है, तो इसके बीच की दूरी लेके ये हमारा जो सर्कल आएगा ये कुछ हिडन आएगा। इस तरह से ये जो सर्कल हमारा आएगा ये हिडन आएगा, तो ये हिडन आएगा। तो मैं इसी तरह से बनाए दे रहा हूँ बाकी सर्कल्स के लिए भी। इस तरह से ये डाया हमारा कितना है इसका 24 mm, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 12 mm। तो ये 12 mm का सर्कल हमारा बनेगा कि जो हिडन होगा। इस तरह से अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से पैकिंग कर देंगे, सेंटर से इस तरह से लाइन खींचेंगे और एक लाइन हमारी कुछ इस तरह से आएगी और एक लाइन हमारी कुछ इस तरह से आएगी, अपर प्लेट एंड लोअर प्लेट का डिफरेंस। अब इसके बाद यहां से हमें मेजरमेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, ये लाइंस इस तरह से हमने, ये हमारी यम है 1.5D, ये हमारी पीच है P=3D, और फिर यहां से जब पैक कर रहे हैं तो मार्जिन M=1.5D। अब इसके में देखते हैं ये सर्कल का डायामीटर ये कितना है 1.6D, अंदर के सर्कल का जो डायामीटर है ये डी है। तो ये था हमारा रिवेट बट जॉइंट, डबल रिवेटेड डबल कवर बट जॉइंट। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट कर दीजिए।